नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अल्प प्रवास परिवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही संगठन के कार्य के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि वह सीधी और सिगरौली जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कुछ समय के लिए रीवा में रुके हैं। रिवांचल एक्सप्रेस से आज सुबह रीवा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि विंध्य में संगठन और मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही सिगरौली जिले में दो नए नगर परिषद का गठन हुआ है, जहां जल्द ही चुनाव संपन्न होने वाले हैं। इसके संबंध में भी बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तार अभियान के तहत रीवा जिले ने प्रदेश में सबसे बेहतर कार्य किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2023-24 के आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बूथों को और सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सीधी और सिगरौली में संगठन के कार्य और विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय तक वह विंध्य क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं, जिसके चलते उनका यहां से विशेष लगाव है। रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में बीजेपी बेहतर कार्य कर रही है, इसे और मजबूती प्रदान कर जाएगी। उन्होंने कहा कि रीवा जिले के विधायकों की भोपाल में ली गई बैठक में महापौर हार की समीक्षा की गई, उसमें जो कमियां निकल कर सामने आई हैं उसे सुधार किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के अल्प प्रवास पर युवा पहुंचने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। इस दौरान वह कुछ समय के लिए राजनिवास में रुके, जहां से वह सीधी और सिगरौली जिले के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे को लेकर विंध्य क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कई प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देखिए, आज तो मैं रीवा होते हुए सीधी और सिंगरौली का मेरा दौरा है, विशेष तौर पर संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार के साथ विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम की दृष्टि से मैं लगातार वर्षों तक यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ, इसलिए आज सीधी और सिंगरौली की बैठकें हैं। सिंगरौली के अंदर दो नगर परिषद के हमारे नए जो गठन हुआ है, उनके अभी चुनाव भी आगामी समय में जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी जरा मिलकर के बातचीत करूँगा। तो रीवा के अंदर संगठन का काम बहुत अच्छे तरीके से, बूथ विस्तारक अभियान ऐतिहासिक रीवा के अंदर हुआ और प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और रीवा के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से विकास और पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए जो आयाम यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रीवा के अंदर भी संगठन का काम और मजबूती के साथ हमारे अजय जी, यहाँ के हमारे नेतृत्व करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर के सभी लोग मिलकर के अच्छा काम चल रहा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरे। 2023 हो या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती, हमेशा सक्रिय रह करके विकास के मुद्दे पर जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है, इसलिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है। तो 2023-2024 दोनों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को सक्षम बनाकर काम को सुदृढ़ बनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विधायकों की बैठक ली गई है, कई विधायक रीवा के थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी खराब है। नहीं, रिपोर्ट कार्ड के कारण बैठकें नहीं होती, ये आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे संगठन की पद्धति है हर जिले के काम की समीक्षा करना। समीक्षा में सभी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, सकारात्मकता ज़्यादा होती है, कहीं कुछ कमी रहती है। हम करेक्टिव मेजर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं कि अगर कहीं कोई छोटी चूक हमसे हो गई है, कुछ कमजोरी हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो हम तो लगातार इस समय काम करते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, कहीं कमी है तो वहाँ पहुँचना है, किसी वर्ग में नहीं है तो उस वर्ग में भाजपा का काम पहुँचना है। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस है, इसमें आया है। मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं इस प्रकार के अनुशासन को तोड़ने का काम किसी ने किया है, तो हमने उनको तत्काल जहां कहने की जरूरत है वहां कहा है, और जब ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ठीक भी किया जाता है। इसे ऐसा नहीं है, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी पद्धति से काम करती है, और हमारी अपेक्षा भी यही है
कि हम सब समाज में भारतीय जनता पार्टी के हम सब चेहरे हैं, तो हमारा व्यवहार और स्वभाव ऐसा रहे कि जनता को ये न लगे कि हम अपने संगठन को या अपने सरकार को कोई हम इस प्रकार की चीज़ें करने का प्रयास करें। इसलिए प्रयास होते हैं और संवाद एक बड़ा माध्यम है, कार्यकर्ता से कभी कभी कुछ चूक भी होती है, उसको भी ठीक करते हैं। चुनाव में हार के बाद संगठन में बदलाव की सबसे बड़ी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक और नीचे तक, हम तो पंच सरपंच और जनपद और जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आए, तो ग्राम सरकार नगर सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जीत करके आए उनका प्रशिक्षण और अच्छे से अच्छा काम करें, महापौर चुनाव ये भी हम प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल हमने उसकी समीक्षा की है 2023 में, कहीं मैंने कहा ना कहीं अगर चूक हुई है तो हम समीक्षा जरूर कर रहे हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में चाहे मैंने कहा ना कि जीत हो या हार हो, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं चलता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है, हम सब मिलकर के, मैंने कहा ना कहीं कमी छूटी है तो सब मिलकर के पूरा करते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी है, हम कोई परिवारवाद पर काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के बेस पर काम करता है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता ही हमारा आधार है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, और बूथ बूथ का कार्यकर्ता, मंडल और जिले के हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है, तो हम सोचते भी हैं और आगे भी लगातार हम इसलिए बढ़ रहे हैं।